कॉलेज मानसरोवर के कॉलेज में। यहाँ पर श्रद्धा कपूर अपने तू झूठी में मक्कार मूवी के प्रमोशन के लिए आई। हम यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उनमें जितना क्रेज है मूवी का उसके बारे में जानेंगे। तो आपका नाम क्या है? मानसी। आप इस मूवी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसका ट्रेलर तो देखा होगा आपने। अच्छा है इसका। और क्या क्या एक्सपेक्टेशंस है? अच्छा, ये टॉप पे जाएगी मूवी। यहाँ बिल्कुल कितना क्रेज है, 8 मार्च को मूवी आने वाली है, कितना क्रेज है? बहुत बहुत ज्यादा। आप क्या कहना चाहेंगे? मैम, हम तो श्रद्धा को देखने जाते हैं, फेवरेट मैम है मैम हमारी। अच्छा। और तो क्रेज तो सब ज्यादा ही होता है हमेशा, हर बारी फेवरेट है इसलिए। और आज देखने भी बहुत दूर। रणवीर को देखने नहीं आए? मैम तो मैम है, आए नहीं। हम हमसे मिलने तो मैम आई है ना। और आप क्या कहना चाहेंगे? My name is Vivek Mishra. I am super excited for the movie because Shraddha is coming back on screens after a very long time. I have already pre-booked my tickets and on Holi, on this special occasion, this movie will be blockbuster. I'm super excited. Shraddha और रणवीर की केमिस्ट्री कैसी लगेगी? Oh my God, तो वो चटपटी जो केमिस्ट्री अभी इसमें दिखाई है, that is super crazy. So I am rooting for it and उसमें एक twist बस्सी का दिया है, that is super cool. So I'm very excited. I'm rocking on the. आप देख सकते हैं भारी संख्या में यहाँ पे यूथ है जो मस्ती होली पी श्रद्धा कपूर और रणवीर कपूर के साथ होली सेलिब्रेशन यहाँ पर श्रद्धा कपूर अपनी मूवी के साथ करने आई हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से यहाँ पर सेलिब्रेशन किया जा रहा है। और भी बाकी जयपुर के स्टूडेंट हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं, तो इस मूवी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैम, बॉलीवुड की अब नेक्स्ट मूवी आई है, अब इसको पता चला कि बॉयकॉट होती ही नहीं होती है, पब्लिक में चलती नहीं चलती। बॉयकॉट क्यों होगी? मैम बॉयकॉट गए क्योंकि वो भी इससे पहले एक रणवीर कपूर की मूवी आई थी ब्रह्मास्त्र, तो इतनी एवरेज मूवी थी वो। एवरेज मूवी थी। और ये वाली कैसी होगी? तो लव रोमांटिक ड्रामा मूवी है मैम, इसमें हीरो के लिए नहीं विलन के लिए मूवी चलेगी। अच्छा। कि जो स्टैंड अप कॉमेडी के वो किंग है, तो ऑब्वियसली बात है कि मतलब हाँ मूवी चलती। श्रद्धा और रणवीर की लव केमिस्ट्री कैसी लग रही है मैम? अभी तो अच्छी लग रही है देखने में, पोस्टर में अच्छी लग रही है, अब देखते थिएटर में कैसी लगती है। और आप क्या कहना चाहेंगे इस मूवी के बारे में?
मैं मूवी काफ़ी अच्छी रहेगी आज के युवा जिस हिसाब से भीड़ को देख रहे हैं उस हिसाब से लग रहा है कि मूवी सुपर हिट होगी। मैम लव रंजन की रोमांटिक ड्रामा मूवी है तो आप इस श्रद्धा की जो ये जो ट्रेलर है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो ट्रेलर तो आपने देखा है, मूवी कैसी होगी? अगर ट्रेलर इतना अच्छा तो मूवी बहुत जोरदार आएगी और वो देखने मजा आएगा। कितना क्रेज है आप में मूवी देखने का? बहुत ज्यादा क्रेज है। इतनी धूप में कहाँ से आए हैं मैम? हमारा मैम पर्सनल प्रतापनगर रामनगर से आप यहाँ आए? दो घंटे से मैम इतनी धूप में खड़े, आप देख लो आप कितना क्रेज होगा बाकी क्राउड से देख के। गिफ्ट करने आए थे रग्बी के मैम, ठीक है, क्योंकि हमारा खुद का स्पोर्ट्स क्लब है रग्बी, जो मतलब बहुत यूनिक गेम है, ठीक है, तो यूनिक गेम है जो हम खेलते हैं, तो बोला कि मैम को गिफ्ट करते क्योंकि जो इससे पहले जो मूवी आई थी एक विलन, तो इसमें सिद्धार्थ सर थे, तो सिद्धार्थ सर क्या है वो रग्बी प्लेयर थे, वो फॉर्मर रग्बी प्लेयर हैं, तो फिर हमने बोला कि मैम को एक बार गिफ्ट करते हैं बॉल। जैसा कि हम जान रहे हैं यूथ से तो काफ़ी क्रेज है मूवी देखने का और हम दिखा दें काफ़ी भीड़ है, काफ़ी मस्ती में लोग नजर आ रहे हैं। राजस्थान चौक के लिए नेहा शर्मा की रिपोर्ट।